मैं हूँ पल्लवी और मैं हूँ गौरव। आप देख रहे हैं दर्शन। दर्शन के आज इस कार्यक्रम में मैं आपको एक ऐसी ऐतिहासिक भूमि पर ले चल रहा हूँ जिसे महाभारत के दौर में गुरुग्राम के नाम से जाना जाता था, और ये वही गुरुग्राम है जहाँ गुरु द्रोण अपने शिष्य कौरव और पांडवों को शिक्षा दिया करते। क्या आप जानते हैं ये गुरुग्राम है कहाँ? दिल्ली से मात्र 20 किलोमीटर दूर एक शहर है गुड़गांव। गुड़गांव शहर कभी ऐतिहासिक पन्नों में गुरुग्राम के नाम से प्रसिद्ध था, जहाँ गुरु द्रोण अपने शिष्य कौरवों और पांडवों को शिक्षा दिया करते थे। जी हाँ दोस्तों, ये वही गुरुग्राम है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ मिलकर शिवलिंग की स्थापना की थी। आज यह स्थान संत शिरोमणि श्री प्रकाशपुरी आश्रम के नाम से विश्वविख्यात है। तो चलिए करते हैं गुरुधाम के दर्शन। अब आपको कराते हैं बाबा प्रकाशपुरी जी महाराज की समाधि के दर्शन, जहां 6 जनवरी सन 2000 में महाराज श्री बाबा प्रकाशपुरी महाराज जी ने अपनी समाधि ग्रहण की थी। तो आइए करते हैं समाधि दर्शन। बाबा प्रकाशपुरी समाधि स्थल न केवल वास्तुकला का एक आदर्श रूप है बल्कि आध्यात्मिक शक्ति का सजीव केंद्र भी है। ये है बाबा की समाधि। बाबा के भक्तों के लिए आज भी बाबा स्वयं यहाँ विराजमान है। बाबा की याद में आज भी यहाँ पर एक अखंड ज्योत लगातार जलती रहती है। तो चलिए कराते हैं आपको उस अखंड ज्योत के दर्शन। यह ज्योति भक्तों के लिए ऊर्जा स्रोत है जिसमें भक्तजन बाबा के आत्मिक दर्शन पाते हैं। यह ज्योति भी भक्तों को जीवन ऊर्जा देती है। और यही रखा है बाबा का पंचमुखी त्रिशूल, जो स्वयं बाबा के गुरु श्री गुप्तपुरी जी महाराज ने उन्हें भेंट स्वरूप दिया था। यह मंदिर का वो महत्वपूर्ण स्थान जहां भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ मिलकर इस शिवलिंग की स्थापना की थी। दर्शकों, ये वही शिवलिंग है जो हमारे शास्त्रों में पांडव वाला शिव के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये वही शिवलिंग है जहां महाभारत के युद्ध पर जाने से पहले पांडवों ने एक यज्ञ करा था जिसकी वजह से उन्हें विजय प्राप्त हुई थी। और आज भगवान शिव के आशीर्वाद से और उनके आदेश से, भगवान प्रकाशपुरी जी महाराज के आदेशों पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। बाबा प्रकाशपुरी जी जब दौलताबाद बगीची आए तो यह शिवलिंग यहाँ पहले से ही स्थापित था। स्थानीय लोगों का ऐसा विश्वास है कि यह शिवलिंग पांडवों द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये थी हमारी आज की दर्शन यात्रा। अब हमें दीजिए अनुमति, अगली बार मिलेंगे हम ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण धर्म स्थान पर। नमस्कार।